बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, सबक पंचायत का दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं और ये सिलसिले की दूसरी वीडियो है। मुझे उम्मीद है कि पहली वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी और सबक को समझने की कोशिश की होगी। ये हमने यहाँ से शुरू करना है जिसमें शेख जुम्मन जो है वो खाला से कहता है कि रुपया क्या दरख्तों पर फलता है, यानी दरख्तों पर उगता है। तो आगे आप शुरू करते हैं। खाला जान ने बिगड़ कर कहा, यानी गुस्से में कहा, तो मुझे नान नमक चाहिए या नहीं, यानी मुझे खाना चाहिए या नहीं। जुम्मन ने मजलूमाना अंदाज से जवाब दिया, चाहिए क्यों नहीं, मेरा खून चूस लो। कोई ये थोड़े ही समझता था तुम ख्वाजा खिजर की हयात लेकर आई हो। ख्वाजा खिजर यानी हर खिजर अलैहिस्सलाम के हवाले से बात हो रही है। हयात कहते हैं ज़िंदगी को। जैसा कि आपने ये सुना होगा कि खिजर अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगम्बर हैं जिन्होंने आब हयात पानी पिया हुआ है और जिनके बारे में ये फेमस है कि वो कयामत तक ज़िंदा रहेंगे। तो यहाँ पे ख्वाजा खिजर से मुराद है यानी खिजर किसी लंबी ज़िंदगी लेकर आई हो। खाला जान अपने मरने की बात नहीं सुन सकती थी, जामे से बाहर होकर पंचायत की धमकी दी, यानी गुस्से में आ गई और कहा मैं पंचायत करूँगी। जुम्मन हंसे, वो फातिहाना हंसी जो शिकारी के लबों पर हिरन को जाल की तरफ जाते हुए देख कर नजर आती है। हाँ हाँ, ज़रूर करो पंचायत, फैसला हो जाए। मुझे भी दिन रात का वबाल पसंद नहीं, वबाल मतलब मुसीबत पसंद नहीं। पंचायत की सदा किसके हक में उठेगी, यानी फैसला किसके हक में होगा, इसके मुतालिक शेख जुम्मन को अंदेशा नहीं था, यानी कोई डर नहीं था। कुर्ब जवार में ऐसा कौन था जो इनका शर्मिंदा मन्नत ना हो, यानी इर्द गिर्द में करीब करीब में कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जिस पर शेख जुम्मन ने कोई एहसान न किया हो। कौन था जो इनकी दुश्मनी को हकीर समझे, कमतर समझे, किसमें इतनी जुरत थी जो इनके सामने खड़ा हो सके। आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला लकड़ी लिए आसपास के गांव के चक्कर लगाती रहीं। कमर झुककर कमान हो गई थी, एक कदम चलना मुश्किल था, मगर बात आ पड़ी थी, उसका तस्फिया ज़रूरी था, फैसला ज़रूरी था। शेख जुम्मन को अपनी ताकत, रसूख और मंतिक पर कामिल एतमाद था। रसूख मतलब असर, ठीक है, और मंतिक मतलब दलील, जो भी वो कहना चाह रहे हैं। कामिल मतलब मुकम्मल एतमाद, भरोसा था। वो किसी के सामने फरियाद करने नहीं गए, उन्होंने किसी के सामने अपनी बात नहीं रखी। बूढ़ी खाला ने अपनी दानिश्त में तो गिरियाउजारी करने में कोई कसर ना उठा रखी। दानिश्त में अपनी समझ में, गिरियाउजारी कहते हैं रोना धोना, कसर ना उठा रखी, कोई कमी ना छोड़ी। खूबी तकदीर, यानी तकदीर की बात है कि कोई इस तरफ मायल ना हुआ, यानी किसी ने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान ना दिया। किसी ने तो यूं ही हाँ हूँ करके टाल दिया, किसी ने ज़ख्म पर नमक छिड़क दिया, यानी मजीद दुख दे दिया। चारों तरफ से घूम घाम कर बुढ़िया अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर कहा, यानी सांस लेकर कहा, बेटा तुम भी घड़ी भर को मेरी पंचायत में चले आना। अलगू बेरुखी से बोला, मुझे बुलाकर क्या करोगी, कई गाँव के लोग तो आएंगे ही। खाला ने हाँप कर कहा, यानी तेज़ सांस लेते हुए कहा, अपनी फरियाद तो सबके कान में डाल आई हूँ, आने न आने का हाल अल्लाह जाने। फरियाद मतलब अपनी फरियाद, अपनी पुकार, यानी सबके सामने मैं अपनी बात रख आई हूँ। अलगू ने जवाब दिया, यूँ आने को मैं भी आ जाऊँगा, मगर पंचायत में मुँह न खोलूँगा। खाला ने हैरत से पूछा, क्यों बेटा। अलगू ने पीछा छुड़ाने के लिए कहा, अब इसका क्या जवाब, अपनी अपनी तबीयत, जुम्मन मेरे पुराने दोस्त हैं, इससे बिगाड़ नहीं सकता, यानी इसे नाराज़ नहीं कर सकता, दुश्मनी नहीं मूल ले सकता। खाला ने ताक कर निशाना मारा, यानी सीधा मौके की बात की, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे। शाम को एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी, टाट बिछा हुआ था, हुक्का पानी का भी इंतज़ाम था, टाट मतलब दरी वगैरह, ये सब शेख जुम्मन की मेहमान नवाजी थी, यानी जितने भी लोग पंचायत के लाए हुए थे उनके हुक्के पानी का इंतज़ाम शेख जुम्मन ने किया हुआ था। वो खुद अलगू चौधरी के साथ बैठे हुक्का पी रहे थे। जब पंचायत पूरी बैठ गई तो बूढ़ी बी ने हाजरीन को मुखातिब कर कहा, पंचो आज 3 साल हुए मैंने अपनी साफ जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी, यानी 3 साल पहले मेरी जितनी भी मिल्कियत प्रॉपर्टी थी वो मैंने अपने भांजे जुम्मन के नाम कर दी। इसे आप लोग जानते होंगे, जुम्मन ने मुझे ताहीने हयात रोटी कपड़ा देने का वादा किया था, यानी जब तक मैं ज़िंदा हूँ, ठीक है, जब तक मेरी ज़िंदगी है। 6 महीने तो मैं इसके साथ किसी तरह रो धोकर काटे, मगर अब मुझसे रात दिन का रोना नहीं सहा जाता, बर्दाश्त नहीं होता, मुझे पेट की रोटियां तक नहीं मिलती, यानी मुझे अच्छा से खाना भी नहीं मिलता पेट भर के, बेकस बेवा हूँ, यानी लाचार।
थाना कचहरी कर नहीं सकती, यानी अदालत में जा नहीं सकती, पुलिस स्टेशन जा नहीं सकती, सिवाय तुम लोगों के और किससे अपना दर्द दुख दर्द रो। तुम लोग जो राह निकाल दो, यानी जो फैसला कर दो, इस राह पर चलूं यानी उसे मान लूं, अगर मेरी बुराई देखो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो, जुम्मन की बुराई देखो तो इसे समझाओ, क्यों एक बेकस की आह लेता है, आह मतलब बद्दुआ और बेकस मजबूर। रामधन मसर बोले, जुम्मन मियाँ पंच किसे बदते हो, अभी से तय कर लो, मतलब मुकर्रर करते हो, पंच मतलब जिसने फैसला करना है। जुम्मन ने हाजरीन पर एक उड़ती हुई निगाह डाली और दलेराना अंदाज से कहा, खाला जान जिसे चाहे पंच बनाए, मुझे उज्र नहीं है, यानी एतराज नहीं है। खाला ने चिल्ला कर कहा, अरे अल्लाह के बंदे तू पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता। जुम्मन ने बुढ़िया को गजबनाक निगाहों से देख कर कहा, अब इस वक्त मेरी जुबान न खुलवाओ, जिसे चाहो पंच बना दो। खाला ने जुम्मन के एतराज को ताड़ लिया, बोली, बेटा खुदा से डर, मेरे लिए कोई अपना ईमान न बेचेगा, इतने भले आदमियों में क्या सब तेरे दुश्मन है, और सबको जाने दो, अलगू चौधरी को तो मानेगा। जुम्मन फरते मुसरत से बाग बाग हो गए, मगर जब्त करके बोले, फरते मुसरत यानी खुशी की कसरत, बेपनाह खुशी, बाग बाग हो गए यानी दिल से खुश हो गए, जब्त करके यानी थोड़ा दबा के बोले, अलगू चौधरी से ही, मेरे लिए जैसे रामधन मसर वैसे अलगू, कोई मेरा दुश्मन नहीं है। अलगू बगलें झांकने लगा, यानी बहाने बनाने लगा, इस झमेले में नहीं फंसना चाहते थे। मोहतरजाना अंदाज से कहा, यानी एतराज करते हुए कहा, बहाना बनाते हुए कहा, उज्र पेश किया, बूढ़ी माँ तुम जानती हो कि मेरी और जुम्मन की गाढ़ी दोस्ती है, यानी पक्की आ रही है। खाला ने जवाब दिया, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता, पंच का हुक्म अल्लाह का हुक्म है, पंच मतलब मुनसिफ फैसला करने वाला, पंच के मुँह से जो बात निकलती है वो अल्लाह की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी ने कहा, शेख जुम्मन हम और तुम पुराने दोस्त हैं, जब ज़रूरत पड़ी तुमने मेरी मदद की और हमसे भी जो बन पड़ा है तुम्हारी खिदमत करते आए हैं, मगर इस वक्त ना तुम हमारे दोस्त हो और ना हम तुम्हारे दोस्त, ये इंसाफ और ईमान का मामला है। खाला जान ने पंचों से अपना हाल क्या सुनाया, तुमको भी जो कहना हो कहो, मेरी खाला ने तो अपना सारा हाल बयान कर दिया है कि किस किस तरह से जुम्मन ने उसकी ज़मीन हथिया ली है, अब आपने कुछ कहना है तो कह दे। जुम्मन एक शान फजीला से उठ खड़े हुए, यानी बड़ी बर्तरी बड़े फख्र के साथ, और बोले, पंचो मैं खाला जान को अपनी माँ की बजाय समझता हूँ, यानी माँ की जगह समझता हूँ, कि खिदमत में कोई कसर नहीं रखता, कोई कमी नहीं रखता, हाँ औरतों में ज़रा अनबन रहती है, यानी झगड़ा बहस वगैरह होती रहती है, इसमें मैं मजबूर हूँ, औरतों की तो ये आदत ही है, मगर माहवार रुपये देना मेरा काबू से बाहर है, यानी हर महीने मैं खाला को पैसे नहीं दे सकता, खेतों की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं, आगे पंचों का हुक्म सर और माथे पर है, यानी पंचों का हुक्म मुझे कबूल है जो वो फैसला कर। अलगू को आए दिन अदालत से वास्ता रहता था, कानूनी आदमी थे, यानी कानून की बात वो जानते थे। जुम्मन से सवाल करने लगे, यानी जरा करने लगे, सवाल करने लगे, एक एक सवाल जुम्मन के दिल पर हथौड़े की जरब की तरह लगता था, चोट की तरह। जुम्मन हैरत में थे कि अलगू क्या हो गया, अभी तो ये मेरे साथ बैठा कैसे मजे मजे की बातें कर रहा था, इतनी देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर आमादा है, आमादा मतलब तैयार है, काया पलट हो गई यानी हालत बदल गई, अच्छी दोस्ती निभाई। जिरा खत्म होने के बाद अलगू ने फैसला सुनाया, लहजा नहायत संगीन और तहकमाना था, संगीन मतलब सख्त, तहकमाना हुक्म वाला, शेख जुम्मन पंचों ने इस मामले पर अच्छी तरह गौर किया है, ज्यादती सरासर तुम्हारी है, ज्यादा मतलब गलती, जुल्म, खेतों से माकूल नफा होता है, तुम्हें चाहिए कि खाला जान के माहवार गुजारे का बंदोबस्त कर दो, इसके सिवाय और कोई सूरत नहीं, अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो हबानामा मनसूख हो जाएगा, यानी इकरारनामा जो खाला ने ज़मीन का लिख के दिया हुआ था। जुम्मन ने फैसला सुना और सन्नाटे में आ गई, हैरत ज़दा खामोश, अहबाब से कहने लगा, दोस्तों से, भाई इस ज़माने में यही दोस्ती है कि जो अपने ऊपर भरोसा करे इसकी गर्दन पर छुरी फेरी है, यानी जो तुम पे भरोसा करे उसी का नुकसान किया है। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिला दी, तनावर दरख्त हक का एक झोंका भी ना सह सका, यानी दोस्ती का मजबूत दरख्त सच्ची एक बात भी ना सह सका, वो अब भी मिलते थे मगर वो तीरों सिपर की तरह, तीर और तलवार की तरह, यानी दुश्मनों की तरह। जुम्मन के दिल से दोस्त की गद्दारी का ख्याल दूर ना होता था और इंतकाम की ख्वाहिश, इंतकाम ना बदला, चैन ना लेने देती, आराम ना करने देती। खुशकिस्मती से यह मौका भी जल्द मिल गया। अलगू चौधरी पिछले साल मेले से बैलों की एक अच्छी गोइयां माल लाए थे, पछाई नस्ल के यानी आला नस्ल के खूबसूरत बैल थे,
महीनों तक कुर्बो जवार से लोग इन्हें देखने आते। इस पंचायत के एक महीना बाद एक बैल मर गया। जुम्मन ने अपने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सजा है, यानी ये धोखा है जो उसने मेरे खिलाफ फैसला दिया। इंसान सब्र कर जाए मगर खुदा नेको बद देखता है। अलगू को अंदेशा हुआ कि जुम्मन ने इसे जहर दिलवाया है, यानी उधर अलगू का यह ख्याल था कि यह बैल ऐसे ही नहीं मरा बल्कि जुम्मन ने इसको जहर दिया। इसके बाद चौधरायन का ख्याल था कि इस पर कुछ कराया गया, यानी तावीज़ वगैरह जादू। चौधरायन और फहमीन में एक दिन जोर शोर से ठनी, यानी झगड़ा हुआ, बहस हुई। दोनों खवातीन ने रवानिया बयान की नदी बहा दी। रवानिया बयान मतलब एक दूसरे को गालम गलूच किया। तशबीहात और इश्तियारों में बातें हुईं, यानी ऐसी ऐसी तशबीहात और इश्तियारे एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किए। बारे जुम्मन ने आग बुझा दी। इतने में जुम्मन आ गया और उसने लड़ाई ख़त्म करा दी। बीवी को डांटा और रज़्मगाह से हटा ले गया एक लड़ाई की जगह से। इधर अलगू चौधरी ने भी अपने डंडे से चौधरायन की शीरी बयानी की दाद दी, यानी उसने अपनी बीवी की पिटाई कर दी कि तुम क्यों झगड़ रही थी। एक बैल किस काम का, इसका जोड़ा बहुत ढूंढा मगर ना मिला, यानी इसका पार्टनर। नाचार इसे बेच डालने की सलाह हुई, नाचार मजबूरन सलाह हुई, मशवरा हुआ। गांव में एक समझू सेठ थे, वो यक्का गाड़ी हाँकते थे, ठीक है, यानी वो लकड़ी की गाड़ी है जिसके पीछे सामान लोड किया जाता है। गाँव में गुड़ घी भरते और मंडी ले जाते। मंडी मतलब जहाँ पे ये चीज़ें सेल होती है। मंडी से तेल नमक लाद कर लाते और गांव में बेचते थे। इस बैल पर उनकी तबीयत लहराई, यानी दिल आ गया, सोचा इसे ले लूँ। दाम के लिए एक महीने का वादा किया, यानी एक महीने के बाद मैं पैसे दे दूँगा। चौधरी भी गर्जमंद थे, घाटे की कुछ परवाह नहीं की, उनको भी ज़रूरत थी तो उन्होंने नुकसान की परवाह नहीं की और वो उसको समझू सेठ को बैल दे दिया। समझू ने नया बैल पाया तो पाँव फैलाए, औकात से बाहर हो गया। दिन में तीन तीन चार चार खेवे करते, यानी चक्कर लगाता शहर से गांव, गांव से शहर। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेवों से काम था, यानी चक्कर पे चक्कर लगाया जा रहा था। मंडी ले गए, वहाँ कुछ सूखा भूस डाल दिया, यानी घास, और गरीब जानवर अभी दम भी ना लेने पाता था कि फिर जोत दिया, यानी फिर अगला सामान लिया और चला। महीने भर में बेचारे का कचूमर निकल गया, यानी बैल का बुरा हाल हो गया। यक्के का जुआ देखते ही बेचारे का हाव छूट गया था। यक्के का जुआ यानी वो जो बैल के ऊपर लकड़ी का उसकी गर्दन पे रखते हैं जिसको वो खींचता है, यानी हिम्मत हार जाता बैल। एक एक कदम चलना दो भर था, हड्डियाँ निकल आई थी, लेकिन असील जानवर था, मार की ताब न थी। एक दिन चौथे खेमे में सेठ जी ने दूना बोझ लाता, दूना मतलब डबल। दिन भर का थका जानवर पैर मुश्किल से उठते थे, इस पर सेठ जी कोड़े रसीद करने लगे। बैल जिगर तोड़कर चला, यानी उसने पूरी जोर लगा के उसने चलने की कोशिश की। कुछ दूर दौड़ा, चाहा कि ज़रा दम ले। इधर सेठ जी को घर पहुंचने की फिक्र, कई कोड़े बेदर्दी से लगाए। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया मगर ताकत ने जवाब दे दिया। ज़मीन पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। कई बोरे गुड़ और कई कनस्तर घी के बेचे थे, 200-400 रुपये कमर में बंधे हुए थे। गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे, छोड़कर भी ना जा सकते थे। गाड़ी पर लेट गए, वहीं रत जगा करने की ठान ली कि भाई यहीं सारी रात जाग के गुजार दूंगा, और आधी रात तक दिल बहलाते रहे। हुक्का पिया गाया, फिर हुक्का पिया, आग जलाई, तापा, यानी आग से हाथ सेके। अपनी दानिश में तो वो जागते ही रहे, यानी अपनी समझ में, मगर जब पौ फटी, यानी जब सुबह हुई, सूरज हल्का सा निकला और कमर पे हाथ रखा तो थैली निदार, यानी पैसों वाली थैली गायब। कलेजा सुन्न हो गया, कमर टटोली, थैली का पता ना था। घबरा कर इधर उधर देखा, कई कनस्तर तेल के भी गायब थे। सर पीट लिया, यानी गम में सर पे हाथ मारने लगे ना। पछाड़े खाने लगे, यानी बेहोश होकर गिरने लगे, उठते गिरना, उठना गिरना। सुबह को बाजार खराबी घर पहुंचे, बड़ी मुश्किल से घर पहुंचे। सेठानी जी ने, यानी समझू की बीवी ने, जब ये अलमनाक हादसा सुना तो छाती पीट ली, यानी खूब मातम किया। पहले तो खूब रोई, तब अलगू चौधरी को गालियाँ देने लगी। हिफ्ज़े मातकदम की सूची, हिफ्ज़े मातकदम क्या होता है, वो बचाओ जो पहले से कर लिया जाए। निगोड़े ने ऐसा मनहूस बैल दिया कि सारे जन्म की कमाई लुट गई, यानी बैल का मरना जो है वो भी किस पे डाल दिया, अलगू चौधरी पे, कि बैल ही कमज़ोर दिया था, हालांकि ऐसा नहीं था। इस वाक्य को कई माह गुजर गया। अलगू जब अपने बैल की कीमत मांगते तो सेठ और सेठानी दोनों झल्लाए हुए कुत्तों की तरह चढ़ बैठते, यही वो गुस्से हो जाते। यहाँ तो सारे जन्म की कमाई मिट्टी में मिल गई, फकीर हो गए, इन्हें दाम की पड़ी है। मुर्दा मनहूस बैल दिया था, इस पर दाम मांगते हैं, इन पैसे मांगते हैं। आँख में धूल झोंक दी, धोखा दे दिया।
मरा हुआ बैल गले बांध दिया, सब्र ना होता हो तो हमारा बैल खोल ले जाओ, महीने के बदले 2 महीने जोत लो, और क्या लोगे। यानी ये सारे फिक्रे सुनने को मिलते। इस फयाजाना फैसले का कदरदान हजरात की भी कमी ना थी। यानी कई लोग कहते हैं, हाँ भाई यही ठीक है, बैल ले जाओ, 2 महीने इस्तेमाल कर लो। इस तरह झड़प सुनकर चौधरी लौट आते, मगर 150 रुपए से इस तरह हाथ धो लेना, 150 रुपए से यानी 150 रुपए से इस तरह हाथ धो लेना आसान काम न था। एक बार वो भी बिगड़े, सेठ जी गर्म हो पड़े, सेठानी जी जज्बे के मारे घर से निकल पड़ी, यानी गुस्से में सवाल जवाब होने लगे, खूब मुबाहिसा हुआ यानी बहस हुई, मुजादले की नौबत आ पहुंची यानी हंगामा होने लगा। सेठ जी ने घर में घुसकर किवाड़ बंद कर लिया, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। गांव के कई मुआज्ज़ज़ आदमी जमा हो गए, दोनों फरीक को समझाया, सेठ समझू को दिलासा देकर घर से निकाला और सलाह दी कि आपस में सर फुटोल से काम ना चलेगा, यानी लड़ाई झगड़े से इससे क्या फायदा, पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए इसे मान जाओ। सेठ जी राजी हो गए, अलगू ने भी हामी भर ली, फैसला हो गया, पंचायत की तैयारी होने लगी। दोनों फरीक ने गौल बंदियाँ शुरू कर दी या फिर अपने ग्रुप बनाने शुरू किए। तीसरे दिन इसी सायादार दरख्त के नीचे फिर पंचायत बैठी। रामधन मसर ने कहा, अब क्यों देर की जाए, बोलो चौधरी किन किन आदमियों को पंच बदते हो। अलगू ने मुन कसराना अंदाज में जवाब दिया, बड़े आजी आज समझू सेठ ही चुन लें। समझू सेठ खड़े हो गए, कड़क कर बोले यानी ऊंची आवाज में, मेरी तरफ से शेख जुम्मन का नाम रख लो। अलगू ने पहला नाम जुम्मन का सुना तो कलेजा धक से हो गया, यानी दिल धड़क के रह गया। अब ये क्या, गोया किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया, क्योंकि पता था कि जुम्मन जो है वो दुश्मन था। रामधन मसर अलगू के दोस्त थे, तय पर पहुंच गए। बोले, चौधरी तुमको कोई उजर तो नहीं है। चौधरी ने मायूसाना अंदाज से जवाब दिया, नहीं मुझे कोई उजर नहीं है, मतलब ऐतराज। इसके बाद 4 नाम तजवीज़ किए गए। अलगू पहला चरका खाकर होशियार हो गए थे, खूब जांच कर इंतखाब किया, सिर्फ सरपंच का इंतखाब बाकी था। अलगू इस फिक्र में थे कि इस मरहले को क्यों कर तय करूं कि यकायक समझू सेठ के एक अजीज गुडर शाह बोले, समझू भाई सरपंच किसे बनाते हो। समझू खड़े हो गए, रकड़ कर बोले, शेख जुम्मन को। रामधन मसर ने चौधरी की तरफ हमदर्दाना अंदाज से देकर पूछा, अलगू तुम्हें कोई उजर हो तो बोलो। अलगू ने किस्मत ठोंक ली यानी किस्मत पे छोड़ दिया, हसरतनाक लहजे में बोले यानी एक तरह की नाउम्मीदी के साथ, नहीं मुझे कोई उजर नहीं है। शेख जुम्मन को भी अपनी अजीम शान जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त इंसाफ की ऊंची मसनद पर बैठा हूँ, मसनद मतलब सीट पर, मेरी आवाज़ इस वक्त हुक्म खुदा है और खुदा के हुक्म में मेरी नीयत को मुतलिक दखल ना होना चाहिए। हक और रास्ती से जो जौ भर टलना भी मुझे दीन और दुनिया से स्याह बना देगा, यानी मामूली सा भी अगर मैं हक और सच्ची बात से हटा तो मेरी दीन दुनिया और दीन दोनों बर्बाद हो जाएंगे। पंचायत शुरू हुई, फरीकैन ने अपने हालात बयान किए, जरा हुई शहादतें गुजरी यानी गवाहियाँ। फरीकैन के मददगारों ने बहुत खींचतान की, जुम्मन ने बहुत गौर से सुना और तब फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू सेठ पंचों ने तुम्हारे मामले पर गौर किया है, समझू को बैल की पूरी कीमत देना वाजिब है। जिस वक्त बैल इनके घर आया इसको कोई बीमारी ना थी, अगर कीमत उसी वक्त दे दी गई होती तो आज समझू इसे वापस लेने का हरगिज तकाजा ना करते, यानी डिमांड ना करते। रामधन मसर ने कहा, कीमत के अलावा इनसे तावान भी लिया जाए। समझू ने बैल को दौड़ा दौड़ा कर मार डाला। जुम्मन ने कहा, इसका असल मामले से कोई ताल्लुक नहीं। गोडर शाह ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए, इनका बहुत नुकसान हुआ है और अपने किए की सज़ा मिल चुकी है। जुम्मन बोला, इसका भी असल मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, यह अलगू चौधरी की भलमनसी पर मुनसर है। ये फैसला सुन अलगू फूले चौधरी फूले न समाए यानी खुश हो गए। 1 घंटे बाद जुम्मन शेख अलगू के पास आए और इनके गले लिपट कर बोले, भैया जब से तुमने मेरी पंचायत की है मैं दिल से तुम्हारा दुश्मन था, मगर आज मुझे मालूम हुआ कि पंचायत की मसनद पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना दुश्मन, इंसाफ के सिवा और कुछ नहीं सूझता। अलगू रोने लगे, दिल साफ हो गए, दोस्ती का मुरझाया हुआ दरख्त फिर से हरा हो गया। अब वो चालों की ज़मीन पर नहीं, हक और इंसाफ की ज़मीन पर खड़ा था। चालों की ज़मीन पर मतलब साजिशों की, एक दूसरे के खिलाफ साजिशों में नहीं थे बल्कि वो सच्चाई के साथ खड़े थे। ठीक है जी बच्चों, हमारा ख़त्म। अब
अब आप जो है उसको दोबारा दो तीन बार गौर से सुनिए, किताब सामने रखिए, अगर मीनिंग नहीं लिखे तो वो भी लिख लीजिए, कुछ मैंने ऊपर लिख दिए यहाँ पर, यहाँ से देख के आप लिख सकते हैं, लेकिन सबक को समझना बड़ा ज़रूरी है। तो आप जो है इस सबक को ज़रूर जो है दो तीन बार सुनिए और समझिए। और जिन जिन बच्चों ने इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को शेयर नहीं किया, वो सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को भी शेयर कर दें और लाइक कर दें। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।